Hello class, good morning. Today we'll start with our lecture. Today is lecture number 2 for error and measurement. So in the first lecture we have taken the basic introduction of error and measurement, hai na, ki error kis tarah se generate hoti hai na, error kyun arise hoti hai, error ke arise hone ke reason kya hote hain, kya kya possible type ki error humko dekhne ko mil sakti hai, humne kya dekha. हमने रैंडम एरर देखी, सिस्टमैटिक एरर देखी, देन वी हैव टेकन सम गुड सब टॉपिक्स लाइक एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखा, कुछ न्यूमेरिकल अपन ने देखे. अब अपन आगे बढ़ते हैं. बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, ऑल दो बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से आप सब लोग अवेयर होंगे क्योंकि क्लास 11th में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स देखे, काफ़ी सारे टॉपिक्स के न्यूमेरिकल देखे, टू बी वेरी प्रिसाइज. नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. सो वी हैव टेकन सम गुड न्यूमेरिकल्स एंड इन दैट न्यूमेरिकल हमको कहीं ना कहीं बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाने की जरूरत पड़ी है. सो ऑल दो आप लोग को पता है, बट ठीक है, ये हमको एक बार सब टॉपिक देखना पड़ता है एरर एंड मेजरमेंट में आगे की चीज़ें समझने के लिए. सो अपन इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है. देखिए, अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है 1 + x^n, ठीक है, यहां पे x क्या है, कुछ वेरिएबल होगा, है ना, कुछ भी वैल्यू होगी x की. सपोज करो कि x की जो भी वैल्यू आती है अगर वो वेरी 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 स्मॉलर देन 1 है, यानी कि 1 से बहुत छोटी, यानी कि 0.000 समथिंग कुछ है, 0001 है कुछ, है ना, 1 से बहुत छोटी वैल्यू है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम 1 + पावर को अंदर ले आते हैं, 1 + nx, हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना. तो अगर आप 1 + x और उसकी पावर n, अगर आप इससे मान लीजिए कोई आंसर कैलकुलेट लेकर के आते हैं, सपोज ये उसका आंसर आया, ठीक है ना, तो जो आंसर ऐसे आएगा ऐसे भी सेम आंसर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली सेम यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक या हो सकता है 3 डिजिट तक आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है ना. तो हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं छोटा सा. यहां पर देखिए, सपोज एक एग्जाम्पल है, आपको ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे 1.006, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना. तो हम इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, बिना कैलकुलेटर को यूज किए हुए. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √1 + 0.006. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई बुराई वाली बात नहीं है इसमें. अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 + 0.006 और उसकी पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट हटा दिया मैंने, अब यहां पे अंडर रूट हटाऊंगा तो पावर क्या आ जाएगी पूरे पे 1/2. तो क्या ये अब 1 + x^n के फॉर्मेट में आ चुका है, यानी कि अब हम इसके ऊपर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं. क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि 0.006 इज वेरी 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 स्मॉल देन 1, ठीक है ना. तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2 × 0.006, हाँ या ना, ठीक है. अभी देखो 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो 0.003, यानी कि आंसर आ गया 1.003. दिस इज योर आंसर, ठीक है. और अगर आप लोग इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.002, ठीक है ना. कैलकुलेटर, अलग अलग कैलकुलेटर अलग अलग तरह के आंसर देते हैं, तो जो थर्ड डेसिमल है हो सकता है किसी में 2 दिखा दे, किसी में 3 भी दिखा सकता है. तो जो मैंने अभी रिसेंटली कैलकुलेट किया था वो ये आया था, तो वही चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ठीक है ना. सो दिस इज द वे वी अप्लाई बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन. किसी को कोई इसमें डाउट नहीं होगा, है ना, इजी सी थिंग थी ये. तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है, क्यों हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को पढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा अपन रीजन सुनने की कोशिश करें. यहाँ पे आप जब भी कोई कैलकुलेशन करते हो, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उस एक्सपेरिमेंट में आप कुछ चीज़ों को मेजर करते हो, कुछ क्वांटिटीज को आप मेजर करते हो. जब आप उनको मेजर करते हो, फाइनल रिजल्ट निकालते टाइम आप कुछ क्वांटिटीज को ऐड करते होगे, कुछ को सब्ट्रैक्ट करते होगे, कुछ को मल्टीप्लाई करते होगे, कुछ को डिवाइड करते होगे.
तो जब भी ऐसे अर्थमेटिक मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी नॉट द राइट थिंग, अर्थमेटिक प्रोसेस जब भी आप ऐसे करते होंगे, हमेशा कोई ना कोई एरर वहां पे भी जनरेट होती होगी, दो क्वांटिटीज को ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में या डिवाइड करने में. सो वो एरर क्या होती है, उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम दो क्वांटिटी को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है. ठीक है, ओके. हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, और इसमें जो हम सबसे पहला वाला पार्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं एरर ऑफ अ सम और सब्ट्रैक्शन. ठीक है ना. सपोज आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी हैं ए और बी. ठीक है, आपने इन दो क्वांटिटीज को ऐड कर दिया तो आपको क्या मिला, आपको कुछ z मिल गया. ठीक है ना, दो क्वांटिटीज को ऐड करने में आपको क्या मिला, कुछ z मिला. हमने ऐसा मान लिया, ठीक है ना, आपने बेसिकली कुछ मेजरमेंट किया. ठीक है ना, आपने मेजरमेंट किया तो क्या आया, a, और एक मेजरमेंट क्या आया, b. अब आपने इन दोनों मेजरमेंट को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया. जब आपने इन दो मेजरमेंट को ऐड किया तो डेफिनेटली इनमें कुछ ना कुछ एरर रही होगी. तो हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज ए के अंदर जो एरर थी वो डेल्टा ए थी, एब्सोल्यूट एरर. ठीक है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर. बी के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर थी सपोज बी है, और जेड में कितनी हो गई, डेल्टा जेड हो गई सपोज. ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हमें पता है कि इतनी एरर इसमें पॉसिबल है. सो वी नो द थिंग, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b. क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, अभी देखो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, a प्लस b को मैंने एक तरफ लिख दिया है ना, और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी को एक तरफ लिख दिया, और यहां से मैंने क्या किया, यहां पे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है, तो अब देखो क्योंकि जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो क्या मैं ए प्लस बी को यहां पे जेड से कैंसिल आउट कर सकता हूं? तो अब मेरे पास क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. यानी कि दो क्वांटिटीज को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज को, दोनों एरर को, दोनों एब्सोल्यूट एरर को अगर मैं यहां पे जोड़ देता हूं तो दिस विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल एरर. अगर मैं इनको माइनस कर देता हूं देन इट विल बी द मिनिमम परमिसिबल एरर दो क्वांटिटीज को जोड़ने में. क्या ये वाली बात समझ में आई? तो ये एक्सप्रेशन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है यहां पर. ठीक है, सो व्हेनेवर वी ऐड टू फिजिकल क्वांटिटीज, टू क्वांटिटीज, व्हेनेवर वी ऐड टू क्वांटिटीज देन क्या होगी उनकी एरर, द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटी, ये उसमें एरर होगी. द एरर विल बी द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी. समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो ये हमने जो भी कार्रवाई करी ये किसके लिए करी, दिस इज फॉर सम, यानी कि हमने दो क्वांटिटीज को ऐड किया. नाउ अब हम आगे देखते हैं यहां पे सब्ट्रैक्शन की बातें. अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग्स, आपके पास दो क्वांटिटीज हैं ए एंड बी. Now you are subtracting these quantities. तो जब आप इनको subtraction करेंगे कुछ ना कुछ result आपको मिलेगा. Suppose वो मिला आपको z. ठीक है, हमने क्या माना कि z के अंदर जो error है वो delta z है, a में delta a है और b में delta b है.
तो हम यहां पे कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर्स को? Z, बेसिकली दिस इज द अनसर्टेनिटी, दिस इज द एरर विच वी आर राइटिंग. सो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल्स टू A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस ऑफ B प्लस माइनस डेल्टा B. क्या ऐसे ही लिखेंगे? ठीक है, अब यहां पे देखो क्या होगा. यहां पे Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल्स टू A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा ए. अब देखो माइनस यहां अंदर जाएगा तो प्लस को तो माइनस बना देगा और माइनस को प्लस बना देगा, यानी कि माइनस और प्लस ऐसे लिखूंगा मैं, और ये आ गया अपने पास डेल्टा बी. ठीक, अब यहां पे देखो क्या ए माइनस बी से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज जेड इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, राइट. तो फाइनल आंसर जो मेरे को यहां पे मिला वो कितना था बेटा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए. अब ये माइनस प्लस लिखा है तो चाहो तो माइनस प्लस डेल्टा भी लिख दो, बात तब भी बराबर है, और चाहो तो प्लस माइनस डेल्टा भी लिखो, बात तब भी बराबर है. तो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को अगर कंपेयर करेंगे इस एक्सप्रेशन से तो दे आर द सेम. बेटा देख पा रहे हैं आप लोग दोनों एक्सप्रेशन को एक साथ, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है. इससे हमें क्या पता चलता है कि आप दो क्वांटिटीज को या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, द मैक्सिमम परमिसिबल एरर विल बी दिस ओनली. अगर दोनों को ऐड करोगे तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर और उनका प्रोडक्ट, उनका जो एडिशन आ गया वो ये आ गया, है ना. अगर दो को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैक्सिमम एरर को इनकी, अगर मतलब डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी कर दिया तो जो आएगा वो दिस इज विल बी द मिनिमम परमिसिबल एरर, यानी कि डेल्टा जेड की वैल्यू तब वो हो जाएगी. तो यानी कि अगर हम दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी द एरर विल बी द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटी. ये एब्सोल्यूट एरर है किसकी, ए की. ये एब्सोल्यूट एरर है किसकी, बी की. ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट और डिवीजन में क्या होता होगा. ठीक है ना, सो नाउ द सेकेंड थिंग इज एरर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड डिवीजन. ठीक है ना, तो हम पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की. ठीक है, फिर से हम सेम क्वांटिटीज ले रहे हैं. सपोज वी हैव अ क्वांटिटी ए एंड वी हैव अ क्वांटिटी बी. इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे कुछ z क्वांटिटी मिलेगी. ठीक है ना, अभी अगर हम ये कहें कि z में जो एरर है वो डेल्टा z है, a में जो एरर है वो डेल्टा a है, और b में जो एरर है वो डेल्टा b है. ठीक है, तो अब क्या होगा, फाइनल रिजल्ट में कैसे लिख सकता हूं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस डेल्टा b. क्या ऐसे ही लिखूंगा. ठीक है, अब इसमें से भी हमने क्या कर लिया, यहां पे देखो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, अब देखो a b, ठीक है a b, और यहां पे अपन क्या कर सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b. चलो अपन सीधा वाला रास्ता अपनाते हैं. एक और रास्ता मुझे मालूम है जिसमें अपन a को यहां से कॉमन लें तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a आएगा. इधर से b अगर कॉमन ले लूं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b आएगा. फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पड़ेगी. तरीका वो भी सही है और तरीका जो अपन करेंगे वो भी सही है. तो ईजी वाला तरीका देखते हैं अपन. a को b से मल्टीप्लाई किया, फिर a को डेल्टा b से मल्टीप्लाई करेंगे. सो प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b, देन प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b, और फिर डेल्टा a और डेल्टा b आपस में मल्टीप्लाई होंगे. सो प्लस माइनस यहां लिख रहा हूं मैं डेल्टा a इंटू डेल्टा b. ये सिचुएशन आएगी, हाँ ना, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद. अब देखो यहां पे z इज इक्वल्स टू ए बी तो हमने पहले ही बोल रखा है, तो यानी कि ए बी से क्या चला गया, z चला गया. ठीक है ना, ये वाली बात आई समझ में, ए बी से z चला गया. या इसको अपन दूसरे मेथड से कर रहे हैं ना, तो या तो इसको यहां पे कैंसिल आउट मत करो. ठीक है, रहने दो, इसको यहां पे कैंसिल मत करो.
कैंसिल तो हम बाद में भी कर सकते हैं, इसको ए बी लिखो और इसको जेड लिखो, ठीक है ना। अब देखो यहां पे सबसे पहले अपना फोकस यहां पे रखो, देखो इस क्वांटिटी पे, ये क्या लिखा हुआ है, ये है डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। क्या डेल्टा ए इज वेरी वेरी स्मॉल? क्या डेल्टा बी इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल? तो जब दो बहुत छोटी क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो वो एक और बहुत बड़ी छोटी मतलब क्वांटिटी को जन्म देंगी, तो क्या हमें वो छोटी जो क्वांटिटी है उसको उससे कोई हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। तो यानी कि ये जो टर्म है ना ये टोटली नेग्लिजिबल हो जाएगी हमारे सामने, नियर टू जीरो, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं यहां से और रिमेनिंग टर्म को हम देखते हैं। अब देखो यहां पे ये जो पोर्शन है इसको मैं बोलता हूं एलएचएस, अगर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो ये आरएचएस और ये एलएचएस, तो ये वाला जो सेक्शन हो गया ये हो गया आरएचएस का, आया ना, बहुत स्लो जा रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डिवाइडिंग एलएचएस बाय जेड एंड आई एम डिवाइडिंग आरएचएस बाय एबी। अपने को तो एलिमिनेट करना है जेड और एबी को, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एलएचएस को जेड से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, वन प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू आर एच एस को ए बी से कर रहा हूं, तो यानी कि ए बी बाय ए बी कितना हो गया, वन प्लस माइनस। अब देखो ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, यानी कि क्या बचेगा, डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। फिर यहां पे क्या होगा, प्लस माइनस, अब यहां पे बी है तो बी नीचे वाले बी से कैंसिल आउट होगा और बचेगा क्या, डेल्टा ए बाय ए। अब यहां पे देखो वन से वन गया, ठीक है ना, ऐसे कैंसिल आउट कर दो, नहीं तो यहां से तरीके बहुत हैं अपने पास, है ना, और भी ऑप्शन अपन इसमें निकाल सकते हैं। तो अपने पास आंसर क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव ऑब्टेंड।